हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक ब्लड फिजियोलॉजी। इसमें हम डिस्कशन करेंगे ब्लड कंपोजिशन और एक एक कंपोजिशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक वेराइटी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी ओरिजिन जो है वो क्या है, मेसोडर्मल। जैसा कि आपको पता होगा, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोडर्म होती है, तीन लेयर होती हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन होती है मेसोडर्म की होती है, खासकर जो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। अब अगर हम ब्रांच की बात करें तो एक ब्रांच होती है हेमेटोलॉजी, साइंस की ब्रांच है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और हेमेटोम और लॉगस, ये ग्रीक वर्ड है। तो हीम मतलब होता है ब्लड और लागस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स हीमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द ब्लड या कंपोनेंट ऑफ ब्लड या ब्लड फार्मिंग टिश्यूज या डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, दैट इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। अब अगर हम ब्लड के प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो ब्लड का कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर होता है आर्टरीज में और डार्क रेड कलर होता है वेंस में। अगर इसके मास की बात करें, कितना हमारे बॉडी में ब्लड होता है, तो अप्रॉक्स 8% ऑफ टोटल बॉडी मास या टोटल बॉडी वेस। मान लीजिए कोई पर्सन की जो बॉडी वेट है वो 70 kg है, एवरेज हम मान ले रहे हैं 70 kg, तो 70 kg का जो हम 8% निकालेंगे तो हमारा आएगा 5.6, मींस अप्रॉक्स 5.6 लीटर बॉडी में ब्लड होगा इस तरह से। अगर इसके हम पीएच की बात करें तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मींस 7.4 के आसपास होता है, 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। इसका टेस्ट जो है ब्लड का साल्टी होता है। इसका जो टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वही इसका टेम्परेचर होता है, और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी के टेम्परेचर से, इसीलिए थर्मो रेगुलेशन का भी वर्क करता है। देन विस्कोसिटी अगर देखें तो 3 to 4 times मोर होती है वाटर से, और वॉल्यूम देखें तो 5 to 6 liter, जैसा कि अभी हमने 8% आपको निकाल के बताया था। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ब्लड हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो जैसे कि हम आपको अगर वैसे बताएं तो दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होती है एक ब्लड सेल होती है। प्लाज्मा एक होता है और एक ब्लड सेल होती है। ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल्स, जिसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे ब्लड की, तो ऊपर साइड में प्लाज्मा दिखेगा और नीचे साइड में ब्लड सेल्स दिखेंगे। जैसा कि हमने बताया, तो प्लाज्मा का जो कंटेंट होता है हमारे ब्लड में वो 55% होता है, और जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं या सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं। अब जो ये 45% है उसमें फिर चीज़ें हमारी आती हैं सेलुलर एलिमेंट्स में, RBC जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें सबसे पहले, तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। जो प्लाज्मा होता है एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो सस्पेंड करते रहते हैं ब्लड में, और जो ये प्लाज्मा हमारा है वो येलो इस कलर का होता है थोड़ा सा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा में 91% वाटर होता है और 7% प्रोटीन होता है और 1.5% अदर कंपोनेंट होते हैं। अगर प्रोटीन में बात करें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ऐसे प्रोटीन होते हैं। अगर हम अदर कंपोनेंट की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे आयंस होते हैं। ऐसे अगर गैसेस की बात करें, तो हमारे प्लाज्मा में गैसेस जो होती हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती हैं। साथ ही साथ अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, से सारी चीज़ें हमारे ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। और वाटर प्रोडक्ट भी देखें तो जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं थोड़ी सी मात्रा में। अब अगर हम ब्लड प्लाज्मा के फंक्शन की बात करें, तो जो इसमें वाटर वाला पार्ट होता है उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज। देखो, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज ऑफ हीट। देन एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, इसका फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बनाए रखना। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करती है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ब्लड क्लाटिंग में हेल्प करती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो बफर में, बफरिंग की जो प्रोसेस होती है, मीन्स पीएच को मेंटेन करने की प्रोसेस, उसमें हेल्प करते हैं। तो ये हमारा रहा प्लाज्मा कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेलुलर पार्ट होता है ब्लड कंपोनेंट का, जो 45% होता है, उसमें हमारी RBC आती है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, देन WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, देन प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करें अगर रेड ब्लड सेल्स,
तो इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर बाइकॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है मैच्योर आरबीसी का। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस जो होती है 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो कलर होता है रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। देन अगर इसकी काउंटिंग की बात करें तो एडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर एंड एडल्ट फीमेल की बात करें तो 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। तो ये जो है काउंट की हम बात कर रहे हैं, कितनी काउंटिंग होती है। अब अगर लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी के तो इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है। अब अगर हम बात करें कि आरबीसी बनती किससे हैं तो द प्रोसेस बाय व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस या द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो हमारी बोन्स होती हैं लॉन्ग बोन, उनमें एक लोकेशन होता है बोन मैरो जिन्हें हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, वहाँ पर क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली लॉन्ग बोन में, जैसे कि हमारी हिप बोन है, ब्रिस्ट की बोन है, रिप्स हैं वहाँ पर। और जो चाइल्ड होते हैं मीन्स अप टू 5 ईयर, उनमें जो है बोन मैरो जो है सभी बोन्स में लगभग प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारे फीटस होते हैं उनमें जो है आरबीसी का फॉर्मेशन मीन्स जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है वो लीवर या स्प्लीन में, दोनों में होती है। अच्छा, और अब बात करें अगर हमारे नंबर ऑफ आरबीसी जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज कर जाएँ तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और अगर डिक्रीज कर जाएँ तो इरिथ्रोपीनिया, मीन्स जहाँ पीनिया वर्ड लगा होगा वहाँ नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग टू टिश्यू, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाना, एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग और टिश्यू से लंग तक CO2 का लाना, ये मेन फंक्शन होता है। अगर नॉर्मल ब्लड कंटेन की बात करें कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है, कितना अमाउंट होता है अगर कंटेन की बात करें तो 13 to 15 ग्राम HB पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये लगभग होता है हीमोग्लोबिन का कंटेंट। देन अगर एक आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन मालिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन वन आरबीसी में होते हैं। ईच मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग 4 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और एक मालिक्यूल हीमोग्लोबिन में 4 मालिक्यूल जो है ऑक्सीजन बाइंड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो 4 होता है और आयरन से ही बाइंड करते हैं। देन अगर हम बात करें, अब ये हमारा आरबीसी हो गया, अब हम बात करते हैं WBCs की, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो इसका शेप देखें तो इसका अमीबॉयड शेप और न्यूक्लिएटेड होते हैं, अमीबॉयड एंड न्यूक्लिएटेड। इसका साइज की बात करें तो 12 to 15 माइक्रोमीटर का होता है। कलर अगर देखें तो कलरलेस होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट कलर का होता है जैसे कि इमेज में आपको शो हो रहा है। और इसका काउंट की देखें तो इसका लगभग 4 to 5 हज़ार से लेकर के और 10 to 11 हज़ार आरबीसी जो WBC हमारी होती है पर माइक्रोलीटर, ये इसका अमाउंट होता है, मींस 4,000 to 11,000 के अप्रॉक्स होता है। इसका लाइफ स्पेन अगर हम देखें तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है 10 to 13 डेज होता है। अब जैसा कि हमने देखा था द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन्होंने एज इरिथ्रोपोइसिस, ऐसे द प्रोडक्शन ऑफ WBC इन्होंने एज ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होता है? जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनके लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, टॉन्सिल्स हुआ, बोन मैरोज हुआ, वहाँ वहाँ जो हमारी ल्यूकोपोइसिस की प्रोसेस है मीन्स प्रोडक्शन ऑफ WBCs की है वो होती है। और जो फीटस है उस वहाँ पर स्प्लीन में और लीवर में होती है। अब जैसा कि हमने उसमें आपको बताया था कि जब हमारी आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता था तो बोलते थे पॉलीसाइथीमिया, और डिक्रीज हो जाता था तो एरिथ्रोपीनिया बोलते थे। ऐसे ही अगर यहाँ नंबर ऑफ WBC अगर इंक्रीज हो जाए तो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर डिक्रीज हो जाए नंबर ऑफ WBC नॉर्मल लेवल से तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और अगर पैथोलॉजिकली आरबीसी का जो नंबर हमारे इंक्रीज हो रहा है तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, मींस ब्लड कैंसर पैथोलॉजिकली अगर इंक्रीज होता है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, इमेच्योर WBCs का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब अगर WBCs के हम टाइप्स की बात करें तो जो हमारी WBCs 2 टाइप्स की होते हैं, एक होता है ग्रेनुलर WBCs, एक होता है एग्रेनुलर मींस ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। जो हमारी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ग्रेनुलर होती हैं वो 3 टाइप्स की होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम इओसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो ग्रेनुलोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स में
तो ये टोटल आरबीसी का 62% होती है जो न्यूट्रोफिल्स होती है। जो एसिडोफिल्स होती है 2-3% होती है टोटल आरबीसी का, और 0.4% होती है बेसोफिल। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो टोटल आरबीसी का 30% होता है, और मोनोसाइट्स की बात करें तो 5.3% होता है टोटल आरबीसी का, सॉरी टोटल डब्ल्यूबीसी का। अब अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, मेन जो जिनमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, तो हम अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के जो फीचर्स की अगर देखें तो उनकी न्यूक्लियस में 3-4 लोब्स होते हैं, और ये जो है न्यूट्रल डाइस है, जिससे एक है हेमेटोजाइलिन, इससे जो है इनको हम स्टेन कर सकते हैं। इनका फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। देन ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में हमारे प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे जो हमारी एसिडोफिल्स हैं जिन्हें हम इओसिनोफिल्स के नाम से जानते हैं, इनमें इनके न्यूक्लियस में 2 लोब्स होते हैं, और ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, जिसे हम इओसिन बोलते हैं, इसी के नाम पर इसे इओसिनोफिल्स बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, कम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसको ये कम्प्रोमाइज करती हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। अगर बेसोफिल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है ये बेसिक डाई से स्टेन होंगे, इसके न्यूक्लियस में जो लोग होंगे इनडिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स बट दिखे हमें डिविजिबल नहीं दिखेंगे कितने लोग हैं क्या हैं। देन स्टेन विद बेसिक डाई जिसे मिथाइलिन ब्लू है, और इसके जो फंक्शन की अगर बात करें तो लिबरेट हिफेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इंटेंसिफाई करने के लिए। और अगर देखें कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। और तो ये हमारा रहा ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। तो जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, ये इसमें हमारी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स में बात करें इनके फीचर्स में, तो स्मॉलेस्ट आप डब्ल्यूबीसी, सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, राउंड शेप का होता है। और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो प्रोड्यूस एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करती हैं, और कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज हैं, ये लार्ज किडनी शेप्ड की इनकी का न्यूक्लियस होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर जाती हैं, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड शेप्स होता है। इनका साइज जो है 2-4 माइक्रोमीटर होता है, और इनका अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1.5 लाख to 4 लाख होता है प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। इनका जो काउंटिंग होती है, इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो होती है 5-9 डेज, और एक इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लाटिंग में हेल्प करती हैं। इनका शेप ऐसे दिखता है जैसे कि इमेज में हम शो कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने उसमें बताया ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे ही द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो थ्रोम्बोपोइसिस इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल, जो लार्ज सेल होते हैं, लार्ज मेगा कैरियोसाइट्स, मीन्स जो मेगा कैरियोसाइट सेल होती हैं उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये कहाँ पर बनते हैं फ्रेगमेंट, बोन मैरो में। अब देखते हैं अगर हमारे नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज हो जाती हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर डिक्रीज हो जाती हैं नॉर्मल लेवल से तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये हमारा ये रहा। अब देखते हैं हमारी जो प्लेटलेट्स है वो किसमें हेल्प करती हैं, जैसा कि आपने देखा ब्लड क्लाटिंग में। तो ब्लड क्लाटिंग क्या होती है, एक देख लेते हैं जस्ट डिफिनेशन। ब्लड क्लाटिंग इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स फ्लूडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट आफ्टर इट सेट आउट। जैसे ही थोड़ा सेट आउट होता है ऐसे ही तुरंत, मतलब कुल मिला के ये कहने मतलब है कि ब्लड क्लाउट हो जाता है, इसकी जो फ्लूडिडिटी होती है वो लास हो जाती है, जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स क्लाट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि आपको इमेज में सो रहा है। जैसे देखिए ब्लड वेसल हमारी पंचर्ड हुई, प्लेटलेट्स का प्लग यहाँ देखो फॉर्मेशन शुरू हो गया, और देखो लास्ट में यहाँ फॉर्मेशन हो गया ब्लड क्लाट का, फाइब्रिन थ्रेड फार्म एंड ट्रैप रेड ब्लड सेल। और ये कैसे हुआ, प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू रिलीज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर व्हिच इनिशिएट कास्केड ऑफ एंजाइम रिएक्शन। और ऐसे ही हो गया जैसे कि आपको यहाँ रिएक्शन को दिखाया गया है। अब देखते हैं ये तो हमारी ब्लड क्लाटिंग हुई, कुछ एंटी कागुलेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी अब जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड क्लाट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटी कागुलेंट पाए जाते हैं इसलिए नहीं क्लाट होता। और जैसे हमारी ब्लड सेल रैप्चर होती हैं, ब्लड बाहर निकलता है तुरंत क्लाट हो जाता है। अब ये एंटीकागुलेंट्स क्या होते हैं, आ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द कागुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एंटीकागुलेंट, जो ब्लड के कागुलेशन को प्रिवेंट करें एंटीकागुलेंट होते हैं। जैसे कि हमारी हिपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकागुलेंट्स है।
अब इफ ब्लड क्लाट टू इजली, अगर ब्लड क्लाट जो है आसानी से हो जाता है तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, क्लाटिंग इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। और इफ ब्लड क्लाट टेकन टू लंग, क्लाट बहुत लंबा टाइम ले रहा है क्लाट होने में, तो इसे क्या हो जाएगा, हैमरेज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, इसमें हमने देखा कंपोनेंट और उसके फंक्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।